एक महल हो सपनों का समीर। समीर क्या हुआ? कुछ नहीं। चेहरे पर तो साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ हुआ है। तो चेहरा ही पढ़ लो, पूछ क्यों रही? स्टॉप इट पारो, स्टॉप इट, डोंट बी किडिश। तो बताओ ना क्या हुआ? मैंने बाबूजी को डाइवर्सिफिकेशन का इतना बढ़िया प्लान दिया था। हाँ, लेकिन वो तो बाबूजी ने एक्सेप्ट किया था ना। इसी को तो कहते हैं नसीब पारो। कभी ना मानने वाले बाबूजी भी मान गए थे, लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है जिसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन प्लान पोस्टपोन करना पड़ेगा हमें। क्यों, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? है, प्लास्टिक फैक्ट्री की यूनियन प्रॉब्लम। नहीं, वो तो होगा, अब होगा बहुत जल्दी ही, लेकिन फिलहाल तो स्टेट पब्लिक हेल्थ कमीशन की रिपोर्ट आ गई है पारो। अकॉर्डिंग टू देम पारो, हमारी प्लास्टिक फैक्ट्री की सारी मशीनरीज फॉल्टी भी हैं और अनहाइजीनिक भी। व्हाट डू दे मीन बाय अनहाइजीनिक? पता नहीं, शायद उनके हिसाब से हमारी सारी मशीनरीज पोल्यूशन पैदा करती हैं पारो। बट वी हैव अ फ्लॉलेस ट्रीटमेंट प्लान, डोंट वी? है, सब है पारो, तभी तो अनहाइजीनिक का ग्राउंड इतना मजबूत नहीं है ज्यादा। खैर, वो तो मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन साथ में सेफ्टी मेजर का चक्कर भी है ना पारो। वो लोग कहते हैं कि मशीनरी में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करो, तुम्हारी मशीनरी के हिसाब से हवा में प्रदूषण पैदा होता है और तुम्हारे वर्कर्स के लिए ये बात डेंजरस साबित हो सकती है। अरे, ये तो और भी अच्छा होगा। पॉल्यूशन की वजह से अगर कोई वर्कर बीमार पड़ गया तो उसे अपने अस्पताल में ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, तब तो हमें पेशेंट्स भी ज्यादा मिलेंगे, है कि नहीं? व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर पारो, व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। जब यूनियन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की डिमांड लेकर स्ट्राइक कर देगी और हमारे घर में इतना पैसा नहीं होगा जितना तुम उड़ाती हो, तब भी यही सेंस ऑफ ह्यूमर अपने पास रखना, ओके? मतलब मैं पैसे उड़ाती हूँ? कमाती तो नहीं? हाउ डेयर यू से दिस। तुम्हारी हिपोक्रिटिकल फैमिली में से मुझे बाहर जाने की परमिशन है नहीं, वरना मैं भी दिखा देती पारो क्या चीज है। स्टॉप फाइटिंग, फॉर गॉड सेक स्टॉप फाइटिंग पारो, देयर इज अ मेजर ट्रबल। तुम चार नानावटी के लोग मिलकर एक पब्लिक हेल्थ कमीशन के रिपोर्ट पर इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए? मैंने कहा था कि उन लोगों को कुछ खिला पिला देते, मगर हमारे शेखर भैया है ना, राजा हरिश्चंद्र, वो कहने लगे कि हम रिपोर्ट में कुछ दखलंदाजी नहीं करेंगे। बस क्यों? उससे हमारे शॉर्टकमिंग्स पता चलते हैं। ऐसे लोगों को बिजनेस में आना ही नहीं चाहिए। और हमारे बाबूजी भी शेखर भैया की बात बराबर मानते हैं। हाँ, शेखर भैया तो है बाबूजी के लाडले बेटे। और ये सब अभी होना था जब हमारा डाइवर्सिफिकेशन का मेजर काम शुरू होने जा रहा है। छोड़ो समीर, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अरे, मुझे गुरु भी तो ऐसे मिले थे, तुम देखोगी ना, सुनोगी ना तो तुम भी पागल हो जाओगी। वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, लेकिन उन्होंने इस फील्ड में क्या स्टडी किया है, जैसे वो जानते हैं कि किस उम्र की औरत को कौन से शेड के, कौन से डिजाइन के, कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल साड़ी की बात ले लो, हम किसी भी शॉप में जाते हैं, कोई भी साड़ी खरीद लेते हैं। मैं न्यूली मैरिड की बात करूं तो उन्हें लेमन येलो या ग्रीन के लाइटर शेड्स पहनने चाहिए और उसपे फ्लोरल प्रिंट होनी चाहिए। क्यों? न्यूली मैरिड के चेहरे पे एक अलग तरह का चार्म होता है, एक अलग तरह की खुशी होती है, अलग ग्लो होता है, इसलिए उन्हें लेमन येलो और ग्रीन के लाइट शेड्स पहनने चाहिए। Isn't this amazing? मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। वही तो, that couple is great यार। कभी आएंगे ना तो मिलाऊंगी। वेरी मच। एक्चुअली उन्हीं की वजह से मुझे मेरे एग्जीबिशन के लिए स्पॉन्सर मिलने वाला है। अच्छा, कौन सी कंपनी से? कोई विस्की की कंपनी है। ओ, स्पॉन्सर मिल जाए तो अच्छा है ना? सुन मेरी मानो तो, कोई भी अल्कोहल कंपनी से स्पॉन्सरशिप मत लो। क्यों? डैडू को कभी पसंद नहीं आएगा कि तुम कोई अल्कोहल कंपनी से स्पॉन्सरशिप लो। लेकिन बाबूजी तो खुद भी पीते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि वो पीते हैं, लेकिन सोनल, पीना और अल्कोहल के बारे में प्रचार करना, ये दोनों बहुत अलग बात है। ये अल्कोहल कंपनीज अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव एड्स बनाकर उपसाती है पब्लिक को अल्कोहल खरीदने से, एंड डैडू इज डैम अगेंस्ट इट।
उनको कतई पसंद नहीं आएगा कि उनकी ही फैमिली का कोई मेंबर किसी भी अल्कोहल कंपनी से स्पॉन्सरशिप ले। क्या हुआ? कुछ नहीं, सोच रहे हो कि बात तो सही है। ठीक है मीनू, मैं भी ये स्पॉन्सरशिप नहीं लूंगी। That's like नानावटी बहू। अब मैं नानावटी खानदान की बहू नहीं हूँ, अब तो पता नहीं मैं क्या हूँ। क्यों, आई थी तो बहू बनकर ना, और अब तो बेटी बन गई है। पता है डैडू क्या कहते हैं? क्या? कि तू उनकी बहू नहीं बेटी है। पता है बाबूजी ने क्या फैसला किया है? कि नए बंगले में कोई भी काम की जगह नहीं होगी। तब तू क्या करेगी? तो मैं यहाँ काम करूंगी, इस बंगले में। इस बंगले में तो कोई सोशल सर्विस सेंटर खुलने वाला है। तो कोई और जगह ढूंढूंगी, और क्या। डैडू तुझे कहीं नहीं जाने देंगे, डैडू तेरी शादी करवाना चाहते हैं। तेरे लिए एक नया बंगला बनेगा, तेरी शादी तो वो करवा कर ही रहेंगे, महेश से या अभय भैया से ही। प्लीज मीनू, हम इस बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है। अरे तेरा वो असिस्टेंट का है राजू, उसे सामान लेने भेजा है। तेरे इतने अच्छे आलीशान एग्जीबिशन में वो एम्ब्रॉयडरी वाला शर्ट पहन कर आएगा। अरे नहीं नहीं, मैंने उसके लिए एक दो अच्छे सूट्स बनवाए हैं। बेस्ट ऑफ लक। वो सूट्स पर भी एम्ब्रॉयडरी करवा कर ही लाएगा। नहीं नहीं, वो सूट्स मैंने अपनी कस्टडी में ही रखे, एग्जीबिशन के दिन मैं उसको दूंगी। दैट्स क्लेवर। चलो मैं तुम्हें दूसरी चीजें दिखाती हूं। हां जल्दी। मुझे वो सुंदर निवास वाला फ्लैट अच्छा लगा, वो सेकंड फ्लोर वाला। मुझे भी। क्या कितने घटिया लोग रहते थे वहाँ। लोगों से हमें क्या। अरे वो आदमी की शर्ट देखी थी, और वैसे भी वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी ना वो फ्लैट बिल्कुल गलत बनाया था। वास्तु शास्त्र? हाँ, मतलब उसमें खिड़कियाँ यहाँ थी। दरअसल खिड़कियाँ या तो इस तरफ होनी चाहिए या तो उस तरफ होनी चाहिए, और जो मेन डोर था ना वो यहाँ था। मेन डोर या तो यहाँ होना चाहिए या तो फिर यहाँ पर भी चल सकता है, और किचन का प्लेटफॉर्म यहाँ। किचन का प्लेटफॉर्म हमेशा इस तरफ होना चाहिए। तुमने वास्तु शास्त्र पढ़ा है? हाँ, मतलब बुक शॉप में बुक देखी थी। बस बस है राजू, सोना को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और सोना को ये फ्लैट रहने के लिए नहीं लेना है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है। अब जब तुम्हें पूछा जाए ना तभी अपना मुंह खोलना। ओके सोना, तुम ले लो ये फ्लैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट भी अच्छी है। राजू तुम्हारा क्या ख्याल है? देखो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए वो फ्लैट बिल्कुल गलत है। हाँ मतलब कोई रीसेल वैल्यू ही नहीं है उसकी, क्या फायदा लेने का। मेरे ख्याल से इस एरिया में कोई एक आध छोटा सा फ्लैट मिल जाए ना तो आप फायदे में रहेंगे, समझी। अरे अपना एरिया कितना एक्सपेंसिव है कुछ जानते हो क्या? अरे पर बजट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, फ्लैट की साइज कम करने की जरूरत है, समझी। देखो यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैट तो मिल ही जाएगा, और फिर क्या है कि यहाँ नजदीक होगा तो क्या है, हम अपने घर के किसी नौकर को भेज कर आपका घर साफ रखवा सकते हैं ना। तो आप जब भी यहाँ आएंगे तो वहाँ पर रह सकती हैं, और फिर यहाँ आना जाना इजी हो जाएगा। That's very thoughtful of you. Thank you. और फिर वेकेशन के लिए तो छोटी सी जगह भी चल जाएगी। वही तो मैं कह रहा हूँ। अभी देखिए ना कि आप अकेली हैं तो आपको कितनी जगह लगेगी, बहुत कम जगह लगती है ना अकेले पर्सन को तो। और फिर यहाँ नजदीक में होंगी तो आप कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। और अगर जरूरत ना पड़ी तो भी मुझे बुलाना, मैं आऊंगा जरूर। थैंक यू राजू। पारो तुम्हारे देवर में दम है। देखो राजू, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे रहूँ तो मेरे लिए फ्लैट ढूंढने का काम तुम्हारा। ओके, बस आप अभी बेफिक्र हो जाइए, ये सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। आपके लिए ऐसा फ्लैट ढूंढूंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और तुम्हारा? मेरा तो दिल बाग बाग गुलशन गुलशन हो जाएगा। ये लो चाय। कितने? 3 रुपया। मुझे नहीं पीनी है चाय। चाय पी लो।
लो। नानावटी खानदान के वारिस की है ना? समय बड़ा बलवान है दोस्त, मेरे ग्रह ही कुछ उल्टे चल रहे हैं। एक ग्रह बह जैसी कोई चीज नहीं होती। होती है दोस्त, होती है। तुम्हारे पास वक्त है? मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। बोलो, बेझिझक बोलो। लेकिन बाबूजी मेरे कमान, रिलैक्स रिलैक्स। तुम तीनों तो ऐसे टेंस हो रहे हो जैसे कि दिस द एंड ऑफ द लाइफ। दिस मे नॉट बी द एंड, बट बाबूजी दिस कैन बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड। कम ऑन, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना। मेन प्रॉब्लम तो यही है ना कि यूनियन लीडर मशीनरी में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मांग रहा है। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी। बाबूजी अगर डिमांड मान ली तो हमें अपने नए बंगले के बारे में भूल जाना होगा। बिल्कुल भूल जाना होगा सर भैया, क्योंकि इस नई मशीनरी में रिक्वायर्ड चेंजेस करने के लिए 3-4 करोड़ रुपए तो लग ही जाएंगे। इसका मतलब इस डिमांड से डरकर हमें हमारे नए बंगले का सपना भूल जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, पहले ये जानना जरूरी है कि अभी जो मशीनरी है उससे प्रोडक्टिविटी लॉस है या नहीं। नहीं, किसी वर्कर के लिए डेंजरस? नहीं नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, बट वन हैज टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। एक्सट्रीमली केयरफुल तो हर वक्त हर किसी को रहना चाहिए। पहले तो तुम वर्कर्स का दोबारा एक ट्रेनिंग वर्कशॉप अरेंज कर दो। पर अगर मशीनरी में चेंजेस नहीं हुई तो यूनियन ने स्ट्राइक करने की धमकी दी है। वो तो मुझ पर छोड़ दो, मैं उनसे बात करूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेंगे? एडिशनल बोनस ही मांगेंगे ना। आर यू श्योर बाबूजी? हाँ हाँ, ये यूनियन वालों की पुरानी चालें हैं जिसे मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। लेकिन समीर, बंगला वैसा ही बनना चाहिए जैसा हमने सोचा है। यस। लेकिन बाबूजी, अगर वर्कर्स को पता चल गया कि हम हमारे लिए 6-7 करोड़ रुपए का बंगला बनवा रहे हैं और उनकी सेफ्टी के चेंजेस के लिए 2-3 करोड़ भी नहीं खर्च कर रहे हैं, तो दैट माइट हैव एन एडवर्स इफेक्ट। अरे पहले जमीन तो खरीद लो, लेकिन ध्यान रखना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, अगर किसी को पता चल गया तो कह देना कि नया प्लांट लगवा रहे हैं। नहीं बाबूजी, ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्यों? कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। कल को सेफ्टी मेजर्स में फॉल्ट निकला और उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ तो हमारी बदनामी भी हो सकती है। डोंट वरी शेखर, मैंने कहा ना वर्कर्स के लिए एक ट्रेनिंग वर्कशॉप अरेंज कर दो। बस हर वर्कर केयरफुल रहेगा क्योंकि हर एक को अपनी जान प्यारी होती है। ठीक है? यस शेखर, अपने इंजीनियर को लेकर ट्रेनिंग वर्कशॉप शुरू कर दो। और सनत, तुम एयरपोर्ट चले जाओ, चंदू काका आ रहे हैं। चंद? माय गॉड, उनके आते ही घर में महाभारत शुरू हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं कहते, तुम भी सनत के साथ एयरपोर्ट चले जाओ। नहीं बाबूजी नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा उनके साथ वहीं एयरपोर्ट पे ही झगड़ा हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या फिर मैं अकेला झगड़ू? मैं आता हूँ साथ में, चलिए। काकी माँ की याद आ गई। आज अगर वो यहाँ होती, मुझे जब पता चला कि काकी माँ तो मेरे पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। मेरी सबसे प्यारी काकी माँ थी वो। मैंने चिट्ठी भी भेजी थी, मिली होगी तुम लोगों को? नहीं नहीं, तब तो उस हरामखोर नौकर स्टैंप लगाना ही भूल गया होगा। मैंने कई बार टेलीफोन भी किए मगर कोई उठा ही नहीं रहा था। आखिरकार कितने दिनों के बाद पुरुषोत्तम से जब फोन पर बात हुई तब पता चला कि काकी माता हमें छोड़कर चली गई है। अभी तो उस दिन देखा ही क्या था, तुम्हारे बच्चों का मुंह भी नहीं देखा था। ए भगवान,
तूने क्या कर दिया? काकी माँ को उठाने से पहले मुझे क्यों नहीं उठा लिया? चंदू काका, पहले अंदर तो चलिए। आई समझ अंदर ले। आइए काका। अरे सनत, कहीं काका जी? मेरे लिए पाइप का टोबैको लिया। कौन सा ब्रांड चाहिए? टोक्यो ब्रांड पाइप टोबैको। टोक्यो, मगर ये तो नाम पहली बार सुना मैंने। सुन लिया ना जी? अब जाके ले आ। मगर मुझे लगता है कि यहाँ नहीं मिलेगा काका जी। अच्छा, अरे ड्राइवर। अरे काका जी, आप कहाँ चले? बैंडी बाजार जा रहा हूँ। बाजार यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है काका जी। मगर बम्बई से बाहर तो नहीं है ना? तुम्हें तो जाना नहीं है, तो खुद मुझे ही जाना पड़ेगा। काका जी, काका जी, आप अंदर आइए, मैं मंगवा देता हूँ। चलो। तुम्हें क्या लगता है, मुझे ये सब अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता है ना, तो जाओ वापस अपने घर। नहीं देखो अभय, तुमने काफी अपने आप को टॉर्चर किया है, प्लीज अपने घर जाओ। मैं अपने आप होकर नहीं जाऊंगा। क्यों? घर तुमने खुद छोड़ा था ना? हाँ, किसी ने निकाला तो नहीं था ना तुम्हें? देखो ये सब ठीक है, पर यहीं पर हम लोग मार खाते हैं। अरे अपने घर वालों से क्या ईगो रखना? हाँ, तुम्हें याद है मेरे पापा ने दूसरी शादी की थी, और वो सौतेली माँ ने मुझे कितना टॉर्चर किया था। सौतेली माँ, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हम भी ग्रेट, छोड़ दिया घर, फिर भी मैं अपने पापा से ऑफिस में मिलने रोज चला जाता था। तब पता चला कि वो अपनी दूसरी शादी से नाखुश थे, और वो नई माँ हर वक्त जेवर और पैसे के पीछे पड़ी रहती थी। और हाइट तो तब हुई जब मेरे पिताजी बीमार हो गए थे, और मुझे तो तब पता चला जब मैं उनके ऑफिस में गया था। जब मैं घर पहुंचा तो देखा पिताजी अकेले पड़े थे, यहां तक कि उनको पानी देने वाला भी कोई नहीं था। वो औरत उनको वैसे ही हालत में छोड़कर चली गई थी। वहां तो बाबूजी की देखभाल करने के लिए माँ है, तीन बेटे हैं, तीन बहुएं हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारा कोना टिस्ता ही रहेगा। What are you talking? I'm talking in sense. देखो अबे, हर माँ बाप के दिल में अपने बच्चों के लिए कुछ जगह होती है, और मेरी तो छोड़ो, मेरी तो सौतेली माँ थी, तुम्हारे तो खुद के अपने हैं। और उन दोनों का दिल तुम्हारे लिए कितना तड़पता होगा ये तो सोचो। छोड़ यार। देखो अबे, वी आर एजुकेटेड, और सारे प्रॉब्लम्स अक्रॉस द टेबल सॉल्व किए जा सकते हैं। अरे जब तुम अपने माँ बाप को कन्विंस नहीं कर सकते, तो दूसरों को क्या कन्विंस करोगे? अबे प्लीज लिसन टू मी, अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो तो घर वापस जाओ।